तो गाइज हमारे सामने एक शेरनी घूम रही है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो खुले मेन रोड पे गुड़गांव के अंदर शेरनी घूम रही है, देखो। भाई साहब कोई कुछ लिखवाओ, कोई कुछ है ना, तो अलग लिखवा रखो शेरनी। भाई ये अच्छी शेरनी है भाई, थोड़ी साइड दे दे। कईया का कमेंट आएगा कि भाई पिकअप तो शेरनी रहती है, बुलेरो है, महिंद्रा इंडियन कंपनी है, बुलेरो है, नू है। शेरनी आएगा नू, गजब बेचती है भाई। तो भाई हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को, आज 15 अगस्त। और मेरे ख्याल से ये व्लॉग तो बहुत लेट ये व्लॉग बहुत लेट आने वाला है, क्योंकि पहले लद्दाख वाले व्लॉग पूरे करने हैं। भाई लेट आने का कारण ये था, फोन गया था सही ऑन डाटा फोन के अंदर, इतना बैकअप लिया हमने, बैकअप लेने में बहुत टाइम लगता है यार, बहुत ज्यादा बसड़ हो चुकी थी। और ये देखो अपने, हाँ बात करते हैं एक बारी। तो भाई एक चीज तो हमने बहुत अच्छी ले ली है, दो चीज हमारे साथ ना बहुत, मतलब दो ना एक ही चीज आई है बेकार। यो ना बेरो कौन सा जन्म में तो पैदा ही हो, तो कोई सुना ही हो तो फिर भी अपना ठीक है। देखियो देख, हेलो गाइस, रोनी तेरे भाई है सच्ची में, अफसोस ही मेरा भाई है। तो भाई अब इस फ्लैग को लगाएंगे आगे, फिर चलेंगे। मतलब एक सरप्राइज है जो हमारे लिए, मतलब एवरीथिंग था ना, एवरीथिंग आपको वो दिखाएंगे आज, हो सके तो हम वहाँ पे गए तो मतलब जन्नत दिखाएंगे आपको, आप देखना बस एक बार। यार पता है ये नंबर प्लेट पड़ गई थी, कई दिन तक गाड़ी बिना नंबर प्लेट चल रही थी। यो भाई मतलब जो तीन टायर का टम्पू रहे ना, जो नुई पलट जावे, तीन टायर का पिंचर हो जाए कभी पलट जाओ, वो चीज है। तो भाई अभी वो लगवाना था, एक बार मैं लगवा फिर चला, लेट प्लेट हो रहा, वहाँ पे भी बागड़ी उगड़ी खड़ा है। तो भाई एक तो झंडो चिपका है, तो वहाँ पे काली वाली टेप तो वो तो उड़ गो, अब चिपकाया भाई की पूरी टेप थी हमने इपका आई है, बढ़िया शेप वैसे गाड़ी है ना। थैंक यू सो मच भाई, ओके भाई बाय। बढ़िया लग रही गाड़ी, अपने नंबर प्लेट टाइम पे इंडिपेंडेंस डे के पर है, जितना भी झंडा बेकन वाला है ना, इन सब ने है ना अपना धंधो बना रखो है, क्योंकि इतना तक हमें देना ही ना है। अरियो 450 को अरिस तक गई, चल भाई हाँ। कितना का झंडा होगा इसे ना, तो कम नु बोली क्योंकि हमने इसे झंडा दिखा दियो, और हमने लेना ना इस झंडा, भाई 100 रुपए का होगा, 100 रुपए का झंडा है भाई, 450 को लेगा यार, देख लो झंडो 450 को। उन भाई यार तक आवा के वे भाई यार भी इसी साइज को ले रहे हो शायद, कहा भाई कितना को दे रहे हो, 100 को दे रहे हो, तो लिए बेशरम इंसान, शर्म है थोड़ी बहुत, शर्म है थोड़ी बहुत है ना, इन बता सुन तो सही, पता क्या कर रहे हैं भाई। मैं बताऊँ इसका बर्थडे था, इसका बर्थडे की पार्टी थी, ठीक है, यो गलती तो होगा, यो जैसा तैसा मेरा पार्टी लेने आया था कि यो मुझे बेरो भी दिल्ली काउंटर पे ना जाएगा, सुन लेगा भाई नो प्लेट चले बट उसने कहा 1200 रुपये, चलो आगे माता साइन दे दी मार के ना आगे खड़ा हो आरएस आज अंदर चलो यार, ये तो ले जा भाई, ये ले आना ओ जाले नहीं, तो ले आ जा तू, ओ भाई मेरे समझ ना, अरे ले आना, हाथ ले आना, जाओ इधर आ जा, देख एक तो निमटाई दी इतनी देर में, सीट देख रहा तू, ए देख ले अपनी शिकल देख ले, देखेगा अपनी शिकल, चला चला कर दे बाद में। हेलो गाइस, तुमने बेरो ना आज भाई, अभी से क्ले सिस्टम खींच के चलो भाई करते हैं, चालू ले ले तो क्या हुआ, हमने ऊपर वाले फ्लोर से इसकी कैप नीचे वो पांडा वाली रेल सी के अंदर फेंक दी थी, और उसे लेने गया था ये नीचे।
ललित बाजारी तेरी गधी क्या साहिल ये चीज डालनी चाहिए या नहीं मर्जी है भाई डोंट यूज अब्यूज वर्ड्स तू चुप हो जा शरमानी चाहिए बीकानेर वासी तने तो ये देखो ललित यहाँ लाइव आते हुए ललित की ऑडियंस जुड़ते हुए ललित भाई अब चल रहे हैं मेनली जहाँ पे आए यार हमने बीएमजी में कुछ भी रिकॉर्ड ना करो यार टाकते दी बस मतलब यार आज ना काफी दिनों बाद अच्छा हाँ तो हाँ छोटा मोटा करो तो हाँ जाओ छोले भटूरे वगैरह खा रहे थे रेवाड़ी में बीएमजी मॉल अधिकतर लोगों को पता ही होगा बताने की जरूरत नहीं है तो भाई अब चल रहे हैं जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है जिसके लिए आया कम से कम ना कितने चार पांच सालों से हम वहां थे लेकिन बट आज 3 साल बाद कम से कम भी 3 साल बाद हम जा रहे हैं जाकर नाक नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका है देखो ये देखो आप कैमरा गंदा पड़ा है रे अब देखो रास्ता कैसे है कैसे नहीं है आगे यहाँ का लोकल हम यहाँ पहले पढ़ते थे दोस्त जा रहा है दिल्ली में मतलब एवरीथिंग जहाँ पे हमने अपने पूरा बचपन जिसे कह सकते हैं यार ये वाला गेट बंद कर देगा अब एडमिशन ओपन भाई देख क्या एडमिशन भी ओपन यो था एक टाइम पर कॉलेज पढ़ने की तैयारी थी पर यहाँ कॉन्टेक्ट कैंसिल हो गया था हमारे चेयरमैन सर का बस यही था जो था हमारा आज से हमारे स्कूल की एंट्री है ये है मतलब हमारी जन्नत का गेट दरबार वो भी क्या दिन थे और ये अपने साथ के भाई आए हुए हैं मतलब जो यहाँ पहले पढ़ते थे चलो चलते अंदर ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी जीने की उम्र थी दो खंडर हो चुका है भाई काम की ना करवाओ यहाँ तो काम करवाने की जरूरत है मेरे साथ नहीं चल रहा है काम बैड बुड पड़ा ये थे भाई हमारे चार बाथरूम जिसमें यो वो बाहर सचिन गया मैं और ललित कोई कोई नंबर बात करते करते फ्रेश होते थे और भाई ये नहाने का था वो देखो ऊपर वो दिख रहा हो पाइप मोड उसके अंदर बोतल काट के छोटी सी बोतल नू लगा रखी थी और जब शावर बना पड़ा था बोतल के अंदर था और ये देखो जब टेंथ में थे शायद जब कोलगेट से नाम लिखा था यू आज तक भी लिखा हुआ है और दोस्तों से उधार जो 11वीं में चलो गए तो और हमारी 12वीं हो चुकी थी जिस टाइम पे ये अफसोस बंद करना पड़ा था हमारे चेयरमैन सर को ये हमारी विंग थी जिसकी आज हालत ही है मतलब ये मेरे ख्याल से बंद कर दिया है जो परली बिल्डिंग थी ना वो चालू कर दी या यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है ये रूम थे हमारे प्रॉपर इसमें ना दे रहे कैसे केबल कूबन बना दिए भूतिया घर सो बन गो भी हो ऐसे या बिल्डिंग ना सीरियसली मेरे ख्याल से अब यूज में ना है या कंस्ट्रक्शन चल रही है ये टाइल ट्विल पड़ी तो मैं हमारा रूम ये था इस रूम में रहते थे बाकी तो हमारी पूरी विंग ही थी किसी कोई स्पेसिफिक अलमारी नहीं जिसका जहाँ मन करे वहाँ सोता था और और टॉपर विंग यहाँ लिख रहे थे ना कहीं अयो आर मिट गो इसको टॉपर यहाँ था WING टॉपर विंग थी वो दिन भी क्या दिन थे ये थी हमारी विंग जो हो चुकी है खंडर हमारा सपना रहता था हमेशा हाँ ये वार्डन रूम था और ऊपर चढ़ के हमारा मतलब सपना रहता था कि ऊपर वाले फ्लोर पर रहे हमेशा हम रहे भी तो कुछ टाइम ऊपर रहे थे ना सेकंड विंग में रहते फिर हम मतलब कुछ थर्ड में ऊपर गया के चलो ऊपर ही चल रहा इसमें भी रह रोहन इस विंग में ओए फर्स्ट रूम में मूवी हाँ पाली टंगड़ी एक रूम में 8 वार्डन रह करते उस टाइम में अलाउड था 4 बच्चे और हम 8 वार्डन हैं हाँ और भाई मतलब अलग ही याद है यहाँ की तो होली में वो पेंटिंग कर रखी थी वो पूरी दीवार हाँ भाई आयो 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 वो देखियो ललित ने लिख रखो तो ये सामने महेश्वरी लिख रखो सुन इनमें किसमें ये हमारा प्रेप रूम था जहाँ पे हमारी नाइट स्टडी होती थी
और भाई ये ना पढ़ाया करते हैं यहाँ पे, यहाँ ऊपर ऊपर ये लास्ट में उसका मतलब हर फ्लोर का एक वो नीचे भी प्रेप रूम है, हम जब नीचे रह करता वो रैंप पर चढ़ के वो प्रेप रूम था। फिर ये रात को डिनर के बाद ना 8:30 to 9:30 है ना भाई, 8:30 to 9:30 हमारी क्लास होती थी वो यहाँ पे होती थी, और जो इवनिंग प्रेप होती थी वो होती थी स्कूल में। और ये एक टाइम पे इतना अच्छा इतना बढ़िया ग्राउंड था ना, मतलब एक नंबर, वो सामने स्विमिंग पूल कोर्ट है और भाई साहब ऊपर चढ़ के वहाँ जाएगा पूरा बंदर हो चुका है। हाँ वहाँ चढ़ के अंदर जाएगा स्विमिंग पूल, अभी ऊपर चढ़ के अभी स्विमिंग पूल दिखाई के लेकर आऊँगा तेरे, तुम्हें यहाँ छत पर दिख जाओ पूरा स्विमिंग पूल। और इसमें एक बच्चा हमने बहुत डराया था बहुत ज्यादा भूतों के नाम था, वही पायल टांग है। तो है उसने कमर्शियल रूम छोड़ के इस रूम में रहता, फिर वो प्राइवेट रूम में आया कोई यहाँ छेड़ने के लिए। इसमें हमारे बिलाल सर रहते थे, हमारे बीएसटी के बहुत अच्छे सर थे, खान सर, यहाँ टाकी थी, यहाँ पायल टाकी थी। हमारा वो सामने वाला रूम था, वहां से निकल के यहाँ पर पायल टाकी थी और इसकी टुकड़ी टूटी थी है ना, वो नीचे टुकड़ी के ऊपर चढ़ गया यहाँ पायल टाकी और वो नीचे वाली टूट गई और सचिन ऊपर तक नीचे पड़ा सीधा वहाँ फरस पर जाएगा, उसके कुल्ले टूट गए थे और यहाँ पायल बजाई फिर रात को 2 बजे। और यहाँ बच्चे ना मतलब अलग ही सीन हो चुका था वो, मतलब बिल्कुल यहाँ कैमरा था। और ये था कोई सीन, ये था जहाँ पर हम शाम को आके यहाँ लेट के बात करते थे बढ़िया आसमान देख के। हाँ रात को और भाई महेश का नाम तो महेंद्र का, यहाँ हमारे लॉन्ड्री का कपड़ा धुए करता और सिलाई उलाई का काम होता था जो भी, और इसके नीचे ही मैस है यहाँ तो जाया करता भाई, मतलब एरोन यहाँ खूब बढ़िया डाल है गुन्नू कुछ पॉइंट यहाँ बैठे करता, यहाँ लेट कर आराम था वीडियो बनाई थी जब बीच में बैठा था वो ये सामने पता क्या सीन दिया था, वो पूरा एक बड़ो सा पिलर था हम जिस पर बैठा था ना हम। हाँ वो पता क्या था, एक बंदो यहाँ से उतर के इस दीवार पर बैठ गो ठीक है, हम सारे यहाँ बैठा थे देख अब समझ आ जाएगी तो नहीं यहाँ सिखाए गए देखा यहाँ पाँव लटका रखा था हमने और यहाँ तो सीन ले रखो तो, और बैकग्राउंड में ये पहाड़ था सामने पानी की टंकी है पहाड़ के ऊपर। हाँ ऊपर कैसे जाओ वहाँ पानी स्टोर हुआ और वहाँ तो सारा इनमा वो जैसे वो टीचर क्वार्टर है वो वहाँ सारा टीचर रहता हाँ वो टीचर वे कलरफुल भी और वो भी टीचर क्वार्टर है उसका इंग्लिश वे था स्वीपर क्वार्टर जो हाँ यो सामने है गर्ल्स हॉस्टल यो तो मैं कह रहा हूँ पैदल इसमें पैदल चलती पर ये तो पूरा में डोल ले तो आदमी हार ले बढ़िया वाले नहीं है पाली प्रेप थी हर फ्लोर का हर प्रेप होलता हाँ हमारा तो नीचे वाला फ्लोर का था हर फ्लोर की वे चैनल गेट बंद हो जाता क्या हाँ उन दोनों पे उन पर चढ़ गए वो मूवी रूम है बेसमेंट में मूवी हॉल और वो हमारी स्कूल बिल्डिंग है सामने स्कूल बिल्डिंग यो है वो पूरा स्लोप वाला दिख रहा है यहाँ तो 4 फुट तक है और 11 फुट लग तो पकड़ी थी उसने उसकी बात 11 फुट ना इस वाला कौन है तो डीप वाला में वो 11 फुट को ये स्विमिंग पूल था यहाँ तो जाएगा अपना चेंज करो। हाँ ये कमरा सा ना इनके पीछे एक और स्विमिंग पूल छुप रहा छोटा सा छोटा बच्चों के लिए वो तो हमारा बड़ा यहाँ तो थोड़ा छोटा दिख रहा है अच्छा खासा बड़ा स्विमिंग पूल है अभी बढ़िया एक नंबर है सामने गौशाला वो स्वीपर क्वार्टर जो बता रहा था मैं यहाँ थोड़े दिन में वो मिलन लग गई थी पेप्सी हाँ यहाँ कैंटीन समोसा और मोमोज वगैरह मिलन लग गई यो सामने थे अपनी क्या थी स्कूल बिल्डिंग यो तो व्यू चारों तरफ को पहाड़ी पहाड़ उधार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे खरबूजों को खरबूजों की मिली सी संगत के अपने वो दिन जीवन इस जीप में आंडे करता किसी को कुछ दिक्कत हो जाती ना मेडिकल पुडिकल की ले रेवाड़ी पहुंच जाता खोरी पहुंच जाता डॉक्टर के पास हाँ ड्राइवर 24 बैठाए और चलो और भाई खींचे बहुत तगड़ी थी अजीब दिन का ना करता हो 20 चक्कर मारती होगी इतनी बड़ी बड़ी एलईडी 55 इंच की ना बेरो स्कूल में कितनी ही पड़ी होगी कम से कम 100-200 पड़ी होगी हाँ भाई सारी वेस्ट यही मिले करता उन पर फंक्शन वंक्शन पे इस रूम से भी बहुत याद जुड़ी हुई है अरे माहौल बन गया इस रूम आएगा बढ़िया आराम को बैठ सकते
स्प्रे, ये ऐसा ही तो स्प्रे तो जिन तक कर रहा था अरे यहाँ पर बोल रहा है मंजिल की फिक्र थी अब थी सेकंड, पहले तो ट्वेल्थ थी या थी इसकी खिड़कियों तो सामने जो डोली है ना वो वाली उस डोली उसके ऊपर तो हम जंक फूड मंगाए करते पैसा पन्नी में फेंक के वहां तो फिर वो सामान फेंक के करते अब कूद जा ऐसे कूदते थे और फिर वहां से सामान लेके आते थे अरे पीछे का आउटडोर था स्कूल का आज आता खुद भाई साहब हमारा प्रिंसिपल ऑफिस पहले ऊपर तो और यो इतनी गलत जगह बना दी बाद में मारा खातर बड़ा सिर्फ संदेश चली हमारे लिए ये बाड़ा कैब भी है यहाँ पे प्रिंसिपल ने टेबल डाल के यहाँ खिड़की मत देखते और पूरा फ्लोर देखते रहते भी निकलते हैं ना डिसिप्लिन में निकलना पड़ता है बिल्कुल सीधे जाना पड़ेगा नहीं कह रहा था यहाँ बैठे बैठे हम हमारी क्लास थी यहाँ पे पानी बोतल खत्म होती यहाँ ड्रिंकिंग वाटर था यहाँ एक वाटर कूलर रखा हुआ था यहाँ का वाटर कूलर तो करता रहता है भाई पानी बोतल भर लिए पानी बोतल भर लिए ये हमारा मेडिकल रूम तो जो बना फिर कौन सा रूम बना दियो कलर यार ये दीवार छोटी कर दी है दीवार ऊंची थी दीवार छोटी कर दी पर यहाँ तो बालका को पढ़ने को डर है इतनी छोटी कर दी जो होल जहाँ पे हम सुबह रोज प्रेयर करते थे ओ शिट गुरु अपने जो कश्मीर का होटल पुटल मिले वैसे से ना बना रखे हो ये नीरज चोपड़ा में मिल गया ऐ वो तो ठीक है सुरेश सर नू के कह दी पैसी प्यार ललित देख दी पीछे पीछे यार पी लिए पैसी ललित रास्ता में पी ली यो दिख रही है पटरी सी यहाँ बना रखा था ये सर्कल में एक देसी ट्रेन छोटे बच्चों के लिए ये स्टेशन था ट्रेन स्टेशन है रन वो सामने वैन दिख रही है उसके अंदर ट्रेन वाले पहिए लगवा रखे तो ये गोल चक्कर में बना रखे पटरी बच्चे इसके अंदर घूमते थे और भाई हम हर बार प्री बोर्ड्स होते थे पेपर होते थे मतलब जो भी एक्साइटेड चीज़ होती थी ना यहाँ के हम तो वैसे रहते तो डेली रनिंग करके हमेशा जाया करता माता तो और जो डेली नहीं आते थे हॉस्टल वाले बच्चे यहाँ के लंबे लंबे फैल के जावा थे जब पेपर हो जावा था यो भी बोर्ड का पेपर में वहाँ बस तो उतर का हो तो टिका टाका माता जी पास करा देना ओ यार यहाँ काटा वाली बस अडब तक भी है यहाँ ट्रैक में रनिंग करके जिम में थोड़ी सी बहुत एक्सरसाइज करके यहाँ तक जाते थे यहाँ तक जाते हुए ये नलका दिख रहा है इसमें पानी पीते थे रोहन बढ़िया ठंडा पानी और यहाँ हमारा ये था वॉलीबॉल वाला कोर्ट ये पाइप दिख रहा है सामने यहाँ पे था यहाँ वॉलीबॉल खेल के बास्केटबॉल तो दिखाई दिया मैंने बिल्कुल बंजर हो चुका है और आज यहाँ तक वापिस ही पानी पी के अब जा रहा है उस टाइम की जिंदगी थी ना आज की जिंदगी तो बहुत ही अलग थी मैं एक विजन जरूर लगाती है ओके भाई।